श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत्कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम आपको लड़का होने के बिल्कुल अलग और अनोखे लक्षण बताने वाले हैं। दोस्तों, हालांकि ये सभी जो लक्षण होते हैं, देखिए हर गर्भवती महिला में अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत सारी गर्भवती महिलाओं ने ये लक्षण हमें बताए हैं, तो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों ये लक्षण आप में भी दिखाई दें। बहुत सी गर्भवती महिलाओं ने जिन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है, उन्होंने हमारे साथ शेयर करे हैं। तो आप इन लक्षणों को आप अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ही नोटिस करें, तो शायद आप एक सही अनुमान लगा सकें। दोस्तों, हमारे चैनल का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि आप लड़का लड़की में भेदभाव करें, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के उससे ही आप वीडियो को देखा करें। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें इस तरह की वीडियो को पाने के लिए। सबसे पहले लक्षण की बात करें तो दोस्तों, इस लक्षण को देखिए आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखना है, यानी 1 से 3 महीने तक अगर आपको ये लक्षण दिखाई देता है तो काफ़ी हद तक माना जाता है कि आपको बेबी बॉय होगा। सुबह जब आप जगते हैं तो अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे घबराहट महसूस होती है, जी मिचलाता है आपको, मतलब खाने पीने की चीज़ों में कोई भी टेस्ट नहीं आता, आपको घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, और जगते ही अगर आप जैसे चलते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मेरी सांस फूल रही है, मतलब अगर थोड़ा सा चलने पर भी अगर आप हाँफने लगते हैं तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर आप पूरी प्रेगनेंसी है अगर नोटिस करें कि आप थोड़ा सा भी जब चलते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे घबराहट होती है या आपके मतलब हाँफने लगते हैं, सांस फूलती है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है, और ये मेरी प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल सही बैठा था। दूसरा लक्षण है दोस्तों, इस लक्षण को भी आपको देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखना है, आपको मतलब 4-5 मंथ में भी ये लक्षण दिखाई दे सकता है। दोस्तों, जैसे ही अगर आप सुबह जगते हैं आपको अपना फेस नोटिस करना है, यानी अपने चेहरे को देखना है शीशे में, अगर आपका चेहरा अगर आपको सूजा हुआ लगता है, या आपकी जो आंखों की पलकें हैं आपको सूजी सूजी सी लगती है, या आपके चेहरे पर आपको बदलाव दिखाई दे रहा है, या आपका चेहरा मतलब रेड रेड हो रहा है, मतलब अगर आपको अपने चेहरे पर मतलब बदलाव दिखाई देता है, चेंजमेंट दिखाई देता है, तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। और तीसरा लक्षण भी दोस्तों आपको अपने फेस पर ही नोटिस करना है, अगर आपको अपने प्रेगनेंसी में अगर आपकी जो आंखें हैं बहुत ज़्यादा देखिए कईयों की तो पीली पड़ जाती हैं, और बहुत सी गर्भवती महिलाओं का कहना है कि उनकी आंखें जैसे 7वें महीने से बहुत ज़्यादा जैसे लाल हो गई थी, आंखों की जो पलकें होती हैं अगर पलकों के बाल अगर आपके बहुत ज़्यादा टूटते हैं, अगर आप काजल लगाते हैं आपको जलन महसूस होती है, या काजल आपको सूट नहीं करता है प्रेगनेंसी में, तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। ये तीनों ही लक्षण देखिए बिल्कुल अलग हैं और बहुत सी गर्भवती महिलाओं में देखे गए हैं। दोस्तों, ये सारे लक्षण आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में ही नोटिस करना है, खासकर आपको अपने चेहरे पर मतलब जो चेंजमेंट है वो देखना है, और अपनी आँखों में अगर आपकी आंखें पीली हो रही है, या आपकी आंखें लाल हो रही हैं, या आपके पलक के जो बाल होते हैं अगर बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो इसको भी देखिए कहीं ना कहीं लड़के से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि दोस्तों, ये सभी जो साइन है देखिए हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है, क्योंकि हर गर्भवती महिला का एटमॉस्फेयर अलग होता है, बॉडी अलग होती है, तो कईयों में बिल्कुल डिफरेंट जो सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं, तो इसीलिए हमने आपके साथ शेयर करे हैं। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय नमः।